में सॉल्व करना था, है ना, और फिर इसे सिंप्लीफाई करना है। दो पार्ट का मतलब ये है कि आफ्टर दिस द बॉब विल गो लाइक दिस, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, वन एंड टू में। डी वन आप निकाल लोगे 2 पाई, ये क्या हो रहा है, टी वन विल बी 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी डिवाइडेड बाई टू, एंड टी टू विल बी पाई रूट अंडर एल माइनस वाई अपॉन जी, क्योंकि ये लेंथ तुम्हारा एल माइनस वाई है ना, और हाफ ही लेना है पूरे ऑक्सीलेशन का। नाउ इन दोनों का सम जो है ना वो 8 5T/4 दे रखा है, ठीक है। सो 8 इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू, दैट इज पाई रूट अंडर एल अपॉन जी प्लस पाई रूट अंडर एल माइनस वाई अपॉन जी। यहाँ पे एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट वी कैन टेक अ कॉमन ऑफ पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, कॉमन ले लें तो वन प्लस वॉट रूट अंडर एल माइनस वाई अपॉन एल यहाँ रह जाएगा। इस साइड में 5T/8 है, और ये जो टी है और ये टी बाई टू है, तो 4 8 को आप लिख सकते हो दिस, एंड ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। सो 5/4 = 1 + √(1 − y/L, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट, ठीक है। तो 1/2 = L − y/L आ जा रहा है, उसमें भी ऐसा कुछ आ रहा है। सो y = L/2 आ रहा है। क्वेश्चन वाज व्हाट इज y? ओके, स्क्वायर करेंगे तो ये 1/16 आएगा, राइट, दिस इज 1/16, फिर माइनस करेंगे तो 15 होगा। सो इट इज कमिंग 15L/16 करके, सो आंसर इज सी। चलो, मुझे लगा कि एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वाई सो दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज मैक्सिमम और मिनिमम, कुछ इस तरह से करके होता है, ठीक है। तो वो वाई पे डिपेंड करेगा, फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना रहता है ना, तो मुझे लगा कि वैसा कुछ क्वेश्चन है, तो वो वाला क्वेश्चन खैर ये नहीं है। चलो आगे मैं पेपर डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार आप सॉल्यूशन करके सबमिशन करेंगे, आज मैं लिंक क्रिएट करके दे दूंगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम SHM का पूरा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए विथ ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है। अभी तुम लोग का मतलब कोई टेस्ट वेस्ट ऐसा कोई अनाउंसमेंट है कमिंग डेज में? सो नो अनाउंसमेंट, ठीक है। तो अभी आप वापस से SHM पे वर्क करेंगे, आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है SHM को वर्कआउट करने के लिए, राइट। सो पहला टारगेट तुम्हारा तत्व है, और दूसरा टारगेट तुम्हारा जो असाइनमेंट मिल रहा है या टेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। सो लास्ट वीक में कितना असाइनमेंट मिला था? 2 असाइनमेंट मिला था तुम लोगों को SHM का करने को, ओके यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो वो एज एन असाइनमेंट है, आई थिंक टेस्ट के नाम पे मिल रहा होगा, बट दैट इज एज एन असाइनमेंट आई थिंक, ठीक है। एनीवे, तो वर्कआउट करो, अभी प्रायोरिटी पे आप रखोगे अपने तत्वों को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। और तत्वों में एक्सरसाइज 4 तक कंप्लीट करना है, एवरीवन शुड लिसन इट। हाँ, एक्सरसाइज 4 तक कंप्लीट करना है, एंड ट्राई टू कंप्लीट इन दिस वीक ओनली। सर नेक्स्ट संडे पे टेस्ट है किस चीज का है? ऑसिलेशन आवाज नहीं मिला साफ साफ, ऑक्सीलेशन बस मिला, फिर से बताओ। सर ऑसिलेशन प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव्स एंड सर्कुलर मोशन।
ये मेंस लेवल का है। यस सर ओके सो इसका मतलब पढ़ना ही है, ठीक है। ऑक्सीलेशन है ना, सर्कुलर मोशन, ऑक्सीलेशन एंड हीट ट्रांसफर। हाँ, नो सर, प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव्स। प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव नेक्स्ट वीक में। यस सर। ओके राइट, सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसवर्स वेव। सी दिस चैप्टर इज वेरी मच सिमिलर टू योर SHM, ठीक है। इक्वेशन वाइज एंड एवरीथिंग आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सेम है, ठीक है। वेव मोशन, सो सबसे पहले सम वेव एग्जाम्पल्स। सो वी हैव साउंड वेव, सब लोग जानते हो। स्ट्रिंग वेव है ना, एक रोप को जब आप शेक करना शुरू करते हैं तो स्ट्रिंग पे इस तरह का वेव सेटअप हो जाता है, दैट इज योर स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। देन वी हैव वाटर रिपल्स है ना, वाटर में अगर आप एक स्टोन को ड्रॉप करो तो सेंटर से वाटर रिपल शुरू होता है जो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में एक्सपैंड होता चला जाता है, राइट। इट लुक्स लाइक दिस, वाटर सरफेस पे ऐसा दिखता है। ठीक है, सिस्मिक वेव जो अर्थक्विक के टाइम पे जो वेव आता है, तो अर्थ में बहुत वाइब्रेशन होता है ना। कभी गुस्से में आकर के आपने टेबल को बजा डाला तो एक जोर से जो हाथ हिट करते हो टेबल को, तो टेबल में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, यू नो दैट, ठीक है। दैट इज योर अगेन अ वेव, ठीक है। सो इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय वेव? आपने देखा इन सारे में ना एक एक्सटर्नल एजेंट है और एक मीडियम है। देर आर टू कॉम्पोनेंट्स इन दिस, वन इज द एजेंट हु विल डिस्टर्ब एंड अदर इज द मीडियम हु विल गेट डिस्टर्ब्ड, राइट। जैसे टेबल के केस में मैंने बोला तो मैंने हाथ से जोर से हिट किया, तो आई एम द एजेंट हु इज क्रिएटिंग दिस वेव, राइट। अच्छा, लगातार एक बार अगर हिट करके छोड़ देंगे तो वो एक पल्स के जैसा क्रिएट होगा और फिर वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन लगातार जब आप हिट करते रहते हो सो देर इज़ अ कंटिन्यूअस वर्क डन बाय द एजेंट। एजेंट लगातार वर्क कर रहा होता है ना, और उसकी वजह से वो वेव जनरेट होता है, ठीक है। सो हाउ डू यू डिफाइन वेव, मीन्स वॉट इज वेव? इट इज डिस्टर्बेंस इट इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी विथ इट सेल्फ। विथ इट सेल्फ, ठीक है। बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है मीडियम में जो कि मोमेंटम और एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। विथ इट सेल्फ की जगह पे बेटर होगा, ऐसे लिखो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दे रखा है, सो ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा ये डिफाइन किया है हम लोगों ने क्लासिकल मेथड से कि डिस्टर्बेंस कैरी करता है, बट देर आर अदर वेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ना
मीडियम का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। बट क्लासिकल मेथड से, क्योंकि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो क्लासिकल मेथड से ये डिफाइन किया कि मीडियम में वो डिस्टरबेंस होता है। नाउ द पॉइंट इज मीडियम नेसेसरी फॉर डिस्टरबेंस, मीन्स टू कैरी आउट द डिस्टरबेंस? आंसर इज नो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी डोंट नीड एनी मीडियम। सो हमने वेव को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सो पहला तो यही है, टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ वेव ऑन बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड। मैकेनिकल वेव, ठीक है ना, मैकेनिकल वेव, द वेव विच रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन मैकेनिकल। Does not require medium for propagation. What are the examples in this mechanical wave में? तो string wave, rope के ऊपर जो wave होता है उसे हम string wave बोल रहे हैं, ठीक है। So see, दिस इज द वॉल विथ विथ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड ऑन द अदर एंड यू स्टार्ट शेकिंग इट अप एंड डाउन, ठीक है। ऊपर नीचे जब आप मूव करना शुरू करोगे तो इसके ऊपर एक वेव ऐसा सेटअप हो जाता है। सो स्ट्रिंग इज द मीडियम थ्रू विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज बींग ट्रांसफर्ड, एनर्जी जो है वो ट्रैवल करता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग वेव, ठीक है। वाटर वेव का एग्जाम्पल दिया, वाटर रिपल का, दैट इज ऑल्सो साउंड। साउंड वेव को मीडियम चाहिए, ये जो एयर है ना उसके बिना साउंड एक एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, ठीक है। यू नो दैट, मतलब यू नो हाउ टू हाउ साउंड प्रोपगेट्स? अगर एयर नहीं रहेगा तो एक क्लासरूम में अगर मैं बोलता रहूं तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उनको आवाज़ नहीं पहुंचेगा। अगर आप लोग क्लासरूम में होते तो एयर नहीं होता अगर क्लासरूम में, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। सो एयर इज इम्पॉर्टेंट, एयर प्लेज द रोल टू कैरी द साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द क्लासरूम, राइट, थ्रू द कोलिजन, थ्रू इलास्टिक कोलिजन वी टेक इट। तो मीडियम की जरूरत पड़ती है। नाउ नॉन मैकेनिकल वेव में केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही केवल आता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो जैसे ये समझो, दिस इज अ प्लस चार्ज, ठीक है, और सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो और आपके हाथ में ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर है, ठीक है। सो यू नो दैट एक चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्चुअली इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ पढ़ना था क्या तुम लोगों को चार्ज के बारे में 11th में? नो सर, आई थिंक शायद पढ़ना तो है लेकिन मैंने तो कराया नहीं क्योंकि वो सब कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगा। ओके, सी, सो यू नो एटलीस्ट दैट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड हैव चार मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड बार मैग्नेट, ऑन द सेम वे
चार्ज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल अराउंड, राइट। तो आप एक जगह पे खड़े हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करने का एक डिवाइस है मेरे पास, ठीक है। अब सोच करके देखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यहाँ पे ऑक्सीलेट करना शुरू हो जाए, एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, ठीक है। अप एंड डाउन ऑक्सीलेशन जैसा होता है ना, वैसा शुरू हो जाए। सो ए पॉइंट पे डू यू थिंक दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कॉन्स्टेंट और विल वेरी स्टार्ट वेरिंग? जहां पे आप खड़े हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा? क्विकली आंसर मी। वेरी वेरी करेगा, एंड देयरफॉर देयर इज डिस्टरबेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ए, ठीक है ना। अब इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एयर का प्रेजेंस हो या कोई और मीडियम का प्रेजेंस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस इज ऑल हैपनिंग इन द वैक्यूम, ओके। सो चार्ज के ऑक्सीलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट करना शुरू कर देता है, एंड देयर फॉर वी ऑब्जर्व द वेरिएशन एट पॉइंट ए, राइट। ड्यू टू चार्ज ऑक्सीलेशन, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, अब मैकेनिकल वेव का बात कर रहे हैं केवल, तो मैकेनिकल वेव इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मैकेनिकल वेव इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, एंड अदर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। राइट, सो व्हाट हैपेंड इन ट्रांसवर्स वेव? सो दो तरह का वेव होता है, एक मीडियम वेव होता है और एक पार्टिकल वेव होता, सॉरी, एक मीडियम वेलोसिटी होता है और एक पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी होता है। सो ये दोनों वेलोसिटी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वेव वेलोसिटी, आई नो कि अभी मैंने बताया नहीं है वेव वेलोसिटी क्या होता है एंड पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, अभी तुरंत क्लियर होता है वो। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो अगर इधर की ओर वेव वेलोसिटी है तो पार्टिकल वेलोसिटी किधर होना है? इस डायरेक्शन में होना है, ठीक है। कैसे होता है वो बताऊंगा मैं, ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ऑब्वियसली इसमें वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी पर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। वेव वेलोसिटी पैरेलल हो पार्टिकल वेलोसिटी के तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। वेव वेलोसिटी भी एंड पार्टिकल वेलोसिटी भी, सो मैकेनिकल वेव ऑन द डायरेक्शन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन एंड वेव मोशन वी हैव डिवाइडेड ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव कुड बी स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव, और इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। अभी ये दोनों जरूरी नहीं कि हमेशा प्योर फॉर्म में ही रहे, कभी कभी क्या होगा कि ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल होने लगेगा, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव एक साथ एक पार्टिकल में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे सॉलिड में क्या होता है तो वहां पे दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ट्रांसवर्स एंड
लॉन्गिट्यूडनल, तो उस केस में जो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी होता है वो सर्किल में आ जाएगा, पैराबोलिक पाथ में आ जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट केस में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, कि अगर एक ही पार्टिकल पे फोर्स दो डायरेक्शन में लगने लगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस द पार्टिकल पाथ कुड बी अ पैराबोला, राइट? तो उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर दोनों कंबाइन कर जाएगा तो उस केस में जो पार्टिकल पाथ होगा वो सर्कुलर या इलिप्टिकल बन जाएगा। सॉरी, मैंने पैराबोला बोल दिया था, इलिप्टिकल होगा। तो यहाँ पे इलिप्टिकल और सर्कुलर वेव भी होता है। सो सर्कुलर और इलिप्टिकल वेव कैसे बनेगा? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर्कुलर और इलिप्टिकल वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, आपको पता है कि इलिप्टिकल का मतलब दोनों एक्सिस पे अलग अलग एम्पलीट्यूड का होना, सर्कुलर का मतलब दोनों एक्सिस पे बराबर बराबर एम्पलीट्यूड का होना। ठीक है, फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवलिंग मीडियम, पार्टिकल ट्रैवलिंग, वेव ट्रैवलिंग और नॉट ट्रैवलिंग, वी डिवाइड द वेव इन टू पार्ट, ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखने का भी जरूरत नहीं है, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग वेव ऑनली। ठीक है, तो सबसे पहले वेव जनरेट कैसे होता है वो देख लेते हैं। हाउ वेव फॉर्म्स, ठीक है, फॉर दिस वी टूक अ स्ट्रिंग, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है और इसे हमने टाइट कर रखा है एक वॉल से, और दूसरे तरफ ना एक ब्लॉक ले लेते हैं ऐसा, विच इज सपोर्टेड विद अ स्प्रिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ब्लॉक इज कन्फाइंड टू मूव ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और ब्लॉक यहां से लेके यहां के बीच में ऑक्सीलेट करेगा अगर हम इसे डिस्टर्ब कर देंगे तो। ठीक है, सो ब्लॉक इज बाउंड टू मूव ऑन वाई एक्सिस एट दिस पोजिशन। ठीक है, मीडियम में ना कुछ पार्टिकल्स के नेमिंग कर सकते हैं, द पार्टिकल विच इज वेरी ऑलमोस्ट ऑन द ब्लॉक, लेट्स कॉल इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें स्ट्रिंग में क्या है, तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा। ठीक है, एंड दैट टेंशन डिसाइड्स हाउ फास्ट द डिस्टर्बेंस विल ट्रैवल थ्रू। तो पहले वो डिस्टर्बेंस वेव क्या है पहले वो सब कुछ समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग टेंशन वगैरह के ऊपर आएंगे। सो लेट्स डिस्टर्ब द ब्लॉक एंड वी विल सी हाउ द शेप ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस विद डिफरेंट पोजिशन, राइट? तो जैसे मान लो यहां से मैंने ब्लॉक को किक किया ऊपर की ओर, ठीक है, यहां से ब्लॉक को ऊपर की ओर किक किया, तो ब्लॉक विल मूव अप एंड विल कम टू दिस पोजिशन, राइट? तो जब ब्लॉक इस पोजीशन में आएगा उस समय स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का पॉइंट वन जो है वो ब्लॉक के साथ यहां आ चुका है। सो डू यू एग्री दैट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस? यस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होता है इसके वजह से, अगर ये स्ट्रिंग की जगह रॉड होता तो आप एग्री करेंगे कि ये शेप ऐसा हो जाता अगर रॉड होता तो, यस है ना? तो अब हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ डिस्टरबेंस ऑन द स्ट्रिंग। तो देखो ऑलमोस्ट 0.3 के बाद का सारा पार्टिकल अभी अपनी जगह पे रेस्ट में पड़ा हुआ है, दे आर नॉट मूविंग। 0.3 के पहले, 1 से लेके 3 के बीच का सारा पार्टिकल जो पहले इस जगह पे था वो अब ऊपर मूव कर चुका है क्या?
है ना, सर, ऊपर मूव कर यस देते हैं. सर, सो वी विल से दैट अप टू पॉइंट थ्री द डिस्टर्बेंस आर देयर. डिस्टर्बेंस अभी थ्री पे पहुंचा हुआ है. जब ब्लॉक इस जगह पे है, टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, उस समय डिस्टर्बेंस कहाँ पहुंचा हुआ है? थ्री पे पहुंच चुका है. अप टू थ्री के सारे पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं. थ्री के बाद के सारे पार्टिकल्स अभी भी आराम से सो रहे हैं, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिला है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल से. एंड एक्चुअली दिस डिस्टर्बेंस इज योर वेव वेलोसिटी. ये जो डिस्टर्बेंस थ्री पे पहुंचा हुआ है अभी, इसे ही हम वेव वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, तो अब ब्लॉक जो है वो यहां से वापस नीचे आएगा. सो व्हेन दिस ब्लॉक विल कम डाउन, इट विल अगेन बी पासिंग द मीन पोजिशन. ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ है कि पार्टिकल में मोमेंटम आ चुका है, यू नो दैट. तो मोमेंटम अगर पार्टिकल में रहेगा, जैसे ब्लॉक ऊपर जाके कैसे रुका, तो ब्लॉक में हमने वेलोसिटी दिया था वी, और ये वी धीरे धीरे रुकते 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 टॉप मोस्ट पोजिशन ए पे आकर के रुक रहा है. एम आई राइट गाइस? तो अगर ब्लॉक को वेलोसिटी वी मिला है, इसका मतलब पार्टिकल वन जो था स्ट्रिंग का, उसे भी वेलोसिटी वी मिला है. अभी वन जो है अपने बाजू वाले फ्रेंड को भी हाथ पकड़ के ले जा रहा है ऊपर, तो वो भी वी से ले जाएगा शुरू में. उसके बगल वाला जो पार्टिकल है, उसको पहले वाला पार्टिकल भी ऊपर ही पुल करेगा. सो सब एक दूसरे से अटैच होने के वजह से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और सबका जब एक्स एक्सिस जब हॉरिजेंटल लाइन पे था तो वी वेलोसिटी था. जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता जा रहा है. ठीक है, और एक और बात कि जब एक पार्टिकल, मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि इस मीन पोजीशन पे एक पार्टिकल में वी वेलोसिटी होगा, अगर ब्लॉक ए पे जाके रुकता है, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ जाके रुकेगा? ब्लॉक का वी वेलोसिटी देने पे ए पे आके रुकता है, तो स्ट्रिंग पे कोई भी पार्टिकल हो, उसका वी वेलोसिटी होगा, तो वो कहाँ आकर के रुकेगा? वो भी उसी जगह पे आकर के रुकेगा, ए पे. रे ठीक है, एंड देयर फोर ईच एंड एवरी पार्टिकल विल पे अटेंड, रुकेगा, या रे पे ईच एंड एवरी पार्टिकल विल अटेंड ए बिफोर कमिंग डाउन. ठीक है, नीचे आने से पहले सारा का सारा पार्टिकल पहले ए को टच करेगा, अपर एंड को टच करेगा. ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है. ए बी सी में सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? तो बी सी का सबसे ज्यादा स्पीड है, क्योंकि वो मेन पोजीशन के करीब है. ए में सबसे कम स्पीड है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक्सट्रीम के करीब है. जो जितना एक्सट्रीम के करीब जाएगा, स्पीड कम होता जा रहा था. ठीक है, तो अभी मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो ऊपर का स्ट्रिंग रेड कलर से दिख रहा है, उन सब पार्टिकल्स में वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, सो व्हेन ब्लॉक विल स्टार्ट कमिंग डाउन, इन दैट केस इट विल नॉट हैपन दैट द पार्टिकल विल कम डाउन फ्रॉम हियर ऑनली. यहीं से नीचे आना ये शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है. बिकॉज ऑफ मोमेंटम पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रिंग इज स्टिल गोइंग अप, सो इट विल टच द अपर एंड बिफोर कमिंग डाउन. ठीक है, सो जब ब्लॉक नए पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो उस समय स्ट्रिंग का शेप कुछ अलग हो जाएगा. कैन यू थिंक ऑफ व्हाट कुड बी दैट शेप? दिस इज द शेप. ठीक है ना, एक तो हो गया फर्स्ट, दूसरा हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद ऐसा शेप होगा. ठीक है, अब अगेन मैं बोलता हूं कि ये वाला पार्ट को ध्यान से देखो, क्या ये वाला पार्ट तुम्हें यहां पे दिख रहा है? यस सो बेसिकली हम कहेंगे कि जो यहां पे पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा था, ये सब तो अपना अटेंड कर चुका ऊपर, अब ये लौट रहा है. अगर मैं पार्टिकल बी का बात करूं, तो बी पार्टिकल अब यहां पे है और वो नीचे की ओर आ रहा है. इसने अपना टॉप मोस्ट पॉइंट को टच किया था और फिर नीचे आना शुरू किया है. ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल सी है, वो अभी टच किया है, और टच करने के बाद इसे नीचे ही आना है. ठीक है, बट वॉट अबाउट पार्टिकल्स आफ्टर दैट? तो ये सारा पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है. ठीक है,
और ये सारा पार्टिकल अब नीचे आ रहा है. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट यू फोकस ऑन दिस सेक्शन. ये जो सेप था और ये जो सेप था, ये दोनों सेम सेप है. मीन्स द पार्टिकल्स विच वॉज गोइंग अप हेयर हैव नाउ ट्रेवल्ड, और अब वो डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच चुका है ऊपर जाने के लिए. मतलब ऐसे समझ लो कि सबसे पहले डिस्टर्बेंस किधर मिला था ब्लॉक को, अप डायरेक्शन में. तो सारे पार्टिकल को पहले डिस्टर्बेंस किधर मिलेगा, उसी ऑर्डर में मिलेगा. तो अप में जाएगा पहले, कोई भी पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, टच करेगा अपर स्ट्रीम को, फिर नीचे आएगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ द मोशन इज रिप्लिकेटिंग. सो ऐसा सेप टी बाई टू पे दिखेगा मुझे. और मैं पूछूं कि अभी तक मैं डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँच चुका है, तो आप पहले बता रहे थे कि थ्री तक पहुँच चुका था टी बाई फोर टाइम में. अब डिस्टर्बेंस इस जगह तक पहुँच चुका है, फोर के थोड़ा आगे, लेट्स कॉल इट 4.2. ये जो नंबर दिया है ये जस्ट एक इंडिकेशन है, उसका कोई मीनिंग और नहीं है. ठीक है. तो 4.2 पे अभी डिस्टर्बेंस पहुँच चुका है. डू यू एग्री विद दिस? एंड 4.2 के आगे का सारा पार्टिकल अभी भी सो रहा है. ठीक है. उसके पहले का सारा पार्टिकल डिस्टर्ब हो चुका है. लेट द टाइम टू मूव फॉरवर्ड. अब थोड़ा और टाइम को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. सो ब्लॉक जो नीचे जा रहा था वो कहाँ पहुँच जाएगा बताइए. अभी ब्लॉक कहाँ दिखेगा तुम्हें? लोअर एंड पे दिखेगा बताइए. ऐसे. यस. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग नाउ? तो शेप ऑफ द स्ट्रिंग विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग सो फार. ठीक है. फिर से अगर मैं बात करूँ कौन पार्टिकल किधर जा रहा है, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है वो तो मोमेंटरली रेस्ट में है. उसके बाद वाला जो पार्टिकल्स है उसे पहला डिस्टर्बेंस ऊपर मिला था, तो ये ऊपर जा रहा है अभी. ठीक है. उसके बाद पीछे वाला सारा पार्टिकल नीचे आ रहा है ऐसे. और क्योंकि ब्लॉक अभी लोअर एंड को टच करके ऊपर जाएगा, इसलिए आप ये कहेंगे कि सारा पार्टिकल लोअर एंड को पहले टच करेगा तभी ऊपर जाएगा. तो ये जो पार्टिकल ए है यहाँ पे, वो अभी सीधा यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, इसे नीचे आके टच करना है यहाँ पे, और उसके बाद ही ये ऊपर मूव करेगा. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट, नाउ द ब्लॉक विल मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ठीक है ना. अब यहां से ये वापस ऊपर आएगा, तो ये मीन पोजिशन पे आ गया, और अभी ये ऊपर जाने को तैयार है. तैयार क्या मतलब, ऊपर जा रहा है. नाउ इन दिस सिचुएशन हाउ इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग? सो शेप ऑफ द स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस, राइट गाइस? अगर मैं फिर से इस स्ट्रिंग को देखूं, ग्रीन वाले को, और उस पे पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करें, रोप के पार्टिकल मोशन के बारे में, तो ये सेक्शन में सारा पार्टिकल ऊपर जा रहा है. टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक में अभी सारा पार्टिकल नीचे आ रहा है, जो कि लोअर एंड को टच करेगा तभी वापस ऊपर जाएगा. और उसके पहले वाला पार्टिकल इधर जा रहा है. ठीक है. अब मुझे बताओ कि क्या अभी ब्लॉक एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है? बताइए मुझे, क्या ब्लॉक एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है? यस नो. यस इन दिस वन साइकिल ऑक्सीलेशन वेयर इज द डिस्टर्बेंस? डिस्टर्बेंस कहां पहुंच चुका है स्ट्रिंग पे देखो. तो आप बोलेंगे 0.7 तक पहुंच चुका है. इज इट 0.7 से पहले का सारा पार्टिकल अभी मूव कर रहा है. 0.7 का सारा पार्टिकल के पार्टिकल्स डिस्टर्ब अभी नहीं हुआ है, बट विद टाइम दैट विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड. ठीक है. क्या एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में पार्टिकल के ये पूरा का पूरा एक वेव जनरेट हुआ है यहां से लेके यहां तक? यू कॉल दिस एज वेव लेंथ. वॉट इज वेव लेंथ? सो इट इज द लेंथ ऑफ द वेव ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड. ठीक है. तो अगर इसका टाइम पीरियड टी है और जो डिस्टर्बेंस चल रहा था उसके वेलोसिटी को वी से इंडिकेट करें, इसे आप
वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस लैम्डा इक्वल्स टू, इज इट वेलोसिटी इनटू टाइम टी, यस सर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वेव व्हिच हैज बीन जनरेटेड इन वन साइकिल, सो योर आंसर विल बी वी इंटू टी, वेयर वी इज द वेव वेलोसिटी। वी किस पे डिपेंड करता है उस पर अलग से बात करेंगे, ठीक है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट इन दिस द पार्टिकल इज मूविंग ऑन वाई एक्सिस एंड वेव इज ट्रेवलिंग ऑन एक्स एक्सिस। स्ट्रिंग का कोई भी एक पार्टिकल पे आप जरा फोकस करो, जैसे आप सिक्स पे फोकस करो, ये पार्टिकल सिक्स, तो क्या वो इस एक्सिस में मूव कर रहा है, देखो रेड लाइन पे, या फिर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, बताइए मुझे पार्टिकल सिक्स किधर मूव कर रहा है। तो स्ट्रिंग किधर गया, सिक्स वाला पॉइंट जो है वो गया किधर, अभी तो यहां दिख रहा है मुझे ऊपर, ठीक है, उसके पहले नीचे कहीं रहा होगा, ठीक है ना। सो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो है वो किधर मूव कर रहा है, इसमें वो वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि वेव वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे हो और पार्टिकल मोशन वाई एक्सिस पे हो, सच वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। सो स्ट्रिंग वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो उस पर बात करते हैं। क्या सारा का सारा पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगा, तो आंसर इज यस, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स क्या है, ऑल पार्टिकल्स हैव टाइम पीरियड ऑफ टी, सारे पार्टिकल का टाइम पीरियड टी ही रहेगा। एक पार्टिकल का टाइम पीरियड पता है तो इसका मतलब सारे पार्टिकल का टाइम पीरियड पता है तुम्हें, ठीक है। साउंड थोड़ा धीरे कर देना, नहीं मेरे पास नहीं। ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, ऑल पार्टिकल्स विल हैव सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। पार्टिकल्स ओनली मूव्स ऑन वाई एक्सिस, पार्टिकल यहां पे कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस पे नहीं मूव कर रहा है, सारा का सारा पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेव लेंथ एंड दैट वेव लेंथ लैमडा इज गिवन एज वी इंटू टी, ठीक है। बाकी ये सब बोलने का जरूरत नहीं है कि जो टी होता है वो वन अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है और वो टू पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वेव इज जनरेटेड, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ द ब्लॉक विल कीप ऑन ऑक्सीलेटिंग, सो द वेव इज कंटिन्यूसली बीइंग ट्रैवलिंग, ठीक है। आप एक और तरीके से एक बात को समझेंगे यहाँ पे कि इधर जो ट्रैवल कर रहा है वो क्या ट्रैवल कर रहा है बता सकते हो, वॉट इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग दिस स्ट्रिंग। वेव मीन्स डिस्टर्बेंस और एनर्जी, सो बेसिकली एनर्जी इज ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग लाइन, ठीक है ना। ये जो पार्टिकल में वेलोसिटी आ रहा है वो एक्चुअली एनर्जी था, तभी तो इसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है। सो बेसिकली एनर्जी इज ट्रैवलिंग, तो वेव वेलोसिटी मीन्स एनर्जी इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द मीडियम। वेर इज दिस एनर्जी कमिंग फ्रॉम,
सो इट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स जब तक इस पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके लगातार इसे मूव नहीं कराएंगे तब तक ये वेव जनरेट होता नहीं रहेगा. अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वहीं पे वेव फॉर्म बंद होना बंद हो जाएगा और अब तक में जितना वेव जनरेट हुआ था वही वेव आगे बढ़ता चला जाएगा, केवल पीछे से और वेव जनरेट नहीं होगा. सो अब यहाँ पे बात समझोगे, यहाँ पे एक्चुअली एनर्जी लगातार सिस्टम में हम डाल रहे होते हैं और वो एनर्जी लगातार आगे बढ़ रहा होता है, जस्ट लाइक वाटर फ्लो इन अ पाइपलाइन. पाइपलाइन में पानी एक तरफ से आ रहा है दूसरे तरफ से निकल रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है. एक तरफ से आप एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम में और वो एनर्जी आगे की ओर फ्लो करता चला जा रहा है, ठीक है. सो फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, राइट. एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. तो एक्चुअली इसमें एनर्जी कन्फाइंड से हम बात नहीं करके हम लोग एनर्जी ट्रैवलिंग का बात कर रहे होते हैं. तो आप देखोगे कि एनर्जी एज सच नहीं बात करके यहाँ पे पावर ज़्यादा हम बात करेंगे. वेव में पावर पे आप ज़्यादा बात करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय पावर? अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द सिस्टम पर यूनिट टाइम. सो दिस इज योर डी अपॉन डी टी, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँ तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है ना. तो सपोज करो ब्लॉक को मैं एक्स बराबर जीरो ले लूं और स्ट्रिंग को एक्स एक्सिस पे ले लूं, तो आप जरा फोकस करो एक्स इक्वल टू सिक्स वाले पार्टिकल पे, ठीक है. क्या एक्स इक्वल टू सिक्स वाला जो पार्टिकल है वो टाइम के साथ वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है? यस नो. पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू सिक्स, इज इट मूविंग और इज इट सिटिंग स्टेशनरी एट सिक्स? Answer is no, it is not sitting, but it is moving between plus a to minus a on y axis. ठीक है. तो क्या आप ये बोलोगे कि इस पार्टिकल का y चेंज हो रहा है? ये जो y है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ? Answer is yes. ठीक है. वैसे ही कोई दूसरा पार्टिकल ले लो, ये वाला पार्टिकल जो 4.2 पे था उसे देखो, तो वो भी उसका भी y चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है. तो एक वेव इक्वेशन क्या होगा? एक वेव इक्वेशन क्या होगा? तो वेव इक्वेशन वो होगा जो मीडियम के हर पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या पोजीशन है वाई वो बता सके. आई रिपीट, एक वेव इक्वेशन क्या होना चाहिए जो पार्टिकल, हर एक पार्टिकल, पार्टिकल का एड्रेस कैसे पहचानोगे? जैसे मैं बोलूँ एक्स इक्वल्स टू सिक्स, तो क्या आपका आई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स हुआ या फिर अभी तक खोज रहे हो कि सिक्स किधर है? किसे बोलूं मैं, बताओ मुझे. व्हेन आई से पार्टिकल एट एक्स इक्वल्स टू सिक्स, सो आर यू फोकस्ड विद द पार्टिकल कि अच्छा इस पार्टिकल पे बात हो रहा है, और आर यू स्टिल वेंडरिंग हेयर एंड देयर कि कहां है वो पार्टिकल सिक्स, किसे बोलूं मैं? तो ऐसा नहीं होगा. सो बेसिकली मैं बोलूंगा कि एक्स जो है ना वो एड्रेस है पार्टिकल का. किस पार्टिकल के बारे में बात करना है मुझे वो एक्स से पता लगेगा. एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू थ्री है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकल, ठीक है. सो व्हाट इज एक्स? इट इज द एड्रेस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है. अब पार्टिकल तो पकड़ लिया है लेकिन वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है अपने वाई एक्सिस पे. तो एक वेव इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जो हर पार्टिकल का कोई भी टाइम पे वाई क्या होगा ये बता दे, ठीक है. वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर एनी पार्टिकल. सो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा जो वेव इक्वेशन होगा वो एक्स और टी दोनों इन्वॉल्व करेगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी होगा. सो नाउ वी आर कमिंग टू द वेव इक्वेशन. सी, हम लोग एस एच एम के जैसा ही सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये एस एच एम के जैसा ही आएगा. लेकिन वाई एक्सिस पे जो पार्टिकल होगा उसे लोकेट करने के लिए मुझे एक्स भी चाहिए, ठीक है. सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वेव इक्वेशन. व्हाट डू वी मीन बाय वेव इक्वेशन? सो वेव इक्वेशन क्या होगा? इट शुड गिव y axis displacement
ऑफ एनी पार्टिकल, व्हेन आई से एनी पार्टिकल तो उसे कैसे पकड़ोगे, एक्स से, ठीक है, ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे कोई भी पार्टिकल का वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताने वाला स्टेटमेंट जो होगा दैट विल बी योर वेव इक्वेशन, राइट। सो वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, पोजिशन एंड टाइम, ठीक है, ऐसा होगा। तो फिर हम देखेंगे कि ये कैसे निकालना है हमें। तो अभी यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल चैलेंज आने वाला हमें, और वो चैलेंज ये है कि जब एक फंक्शन में एक्स और टी कॉमा से अलग होता है, इसका मतलब हम एक्स और टी को सेपरेटली बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वी वुड लाइक टू कंबाइन इट। कंबाइन इट का मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल फंक्शन के टर्म में मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। पहले यहाँ तक बात क्लियर हो गया है, आई होप सो, कि जो भी इक्वेशन होगा उसमें एक्स और टी होगा, ठीक है। ये फंक्शन एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, यू नो दैट। नाउ ये जो फंक्शन है वो अलग अलग तरह का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, साइनोसाइडल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। हमें मेनली साइनोसाइडल फंक्शन ही देखना है, लेकिन अभी हम जनरल लेकर के चल रहे हैं। तो जरा देखो अभी क्या चैलेंज है वो समझो। मुझे ना कॉमा हटाना है यहाँ से, ठीक है। क्यों हटाना है, क्योंकि कोई भी एक इक्वेशन में कॉमा से अगर हम वेरिएबल्स को अलग करके रखे हुए तो उसे सेपरेटली आप पुट कर रहे हो, हम चाहेंगे कि इसे कंबाइन कर दें एक ही साथ। तो समझो यहाँ पे बहुत केयरफुली समझना है। यहाँ पे दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग और इस पे एक पल्स लिया, इसे हम पल्स कहते हैं। पल्स इज अ पार्ट ऑफ योर वेव, ठीक है। तो अभी टी इक्वल्स टू टी पे, एक्स इक्वल्स टू एक्स पे मुझे ये पल्स यहां दिखता है, ठीक है। तो ये पल्स का जो वाई है, ये वाई, दैट वाई इज गिवन एज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। वाई का मतलब क्या था, वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट था, एम आई राइट गाइस। तो एग्जैक्टली एक्स पे जो पार्टिकल है वो टी टाइम पे अभी यहां पे है, ठीक है। ये वेव इधर की ओर ट्रैवल कर रहा है वी स्पीड से, तो इस टाइम के थोड़ी देर बाद ये आगे कहीं तुम्हें दिखेगा और इस टाइम के थोड़ी देर पहले वो पीछे कहीं पे था, इधर था, ठीक है। तो ये पल्स और ये पल्स है तो सेम ही, बस टाइम का ही फर्क है ना। जैसे एक पर्सन वॉक करता हुआ आ रहा हो तो जो यहां पे है थोड़ी देर बाद अब वो यहां पे है, तो पर्सन इज सेम, ओनली विद टाइम द पोजिशन हैज चेंज्ड, राइट। तो सेम पल्स थोड़ी देर पहले पीछे कहीं था, ठीक है। तो पीछे कहीं था तो दो फैक्टर पे हम प्ले कर सकते हैं, एक है टाइम फैक्टर पे और एक है पोजिशन फैक्टर पे। पहले टाइम फैक्टर पे प्ले करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि अगर ये टी इक्व टू जीरो है, ठीक है, तो ये जो पोजीशन होगा इसे हम एक्स वन बोल देते हैं, ठीक है। तो सेम फंक्शन वाई, अंडरस्टैंड दिस, एफ एक्स कॉमा जीरो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स वन कॉमा जीरो, क्योंकि टी तो जीरो है यहां पे, ठीक है। विच कैन फर्दर बी रिटन एज एक्स वन ऑनली, अब कॉमा भी देने का जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो है दूसरे पार्ट में, तो वो लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो सेम फंक्शन सेम वेव को हम टी इक्वल्स टू जीरो पे लिख रहे हैं, दिस इज एट टी इक्वल्स टू जीरो। अब जरा एक्स वन को लिखने का कोशिश करो इस एक्स के फॉर्म में और इस टी के फॉर्म में। तो यहां पे एक्स है, वी स्पीड से चल रहा था, यहां टाइम है टी, यहां टाइम है टी जीरो, मतलब टाइम गैप है टी का। तो कैन यू टेल टेल मी दिस डिस्टेंस इज वी इंटू टी, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी टाइम लैप्स होने में
जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वी स्पीड से, दैट इज गिवन बाय दिस वी टी। ओके नाउ ये है मान लो एक्स इक्वल टू सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोजिशन इज इट सिक्स माइनस वी टी। यस सर, सिक्स में कुछ माइनस करोगे तो ये पोजिशन है x, तो ये हो जाएगा x माइनस वी टी। यस सो ये डिस्टेंस ये हो गया ऐसा, तो ये x है, देन x1 इज योर x माइनस वी टी, एंड देयरफॉर आई कैन पुट हियर y इक्वल्स टू f, x1 के जगह पे x माइनस वी टी, क्योंकि हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अभी के टाइम के और पोजीशन के टर्म में हम लिखने का कोशिश करें। तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सेम है क्योंकि दोनों का वाई सेम है, एम आई राइट? सेम पल्स के बारे में बात कर रहे थे तो दोनों का वाई सेम है, ठीक है। सो आई हैव मॉडिफाइड द फॉर्मूला ऑफ एफ एक्स कॉमा टी, जो टी से कॉमा से सेपरेटेड था उसे मैं हटा करके एक सिंगल इंटिटी के टर्म में लिख सका हूं मैं। हाँ, इस एंटिटी में x और t दोनों इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। नाउ अगेन इस बारी अब हम लोग प्ले करेंगे पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने t इक्वल्स टू जीरो बोला, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि t कभी x भी कभी जीरो हुआ होगा। अगर पीछे से आ रहा है तो कभी तो x इक्वल्स टू जीरो कहीं पे रहा होगा, ठीक है। अभी वहां पे जरूरी नहीं कि t जीरो हो, क्योंकि एस एच एन में आपने ये सीखा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे टी जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू जीरो पे मैंने एक्स को जीरो नहीं लिया है, और अभी एक्स इक्वल टू जीरो पे मैं टी को जीरो नहीं लूंगा, कुछ नया टाइम ले लेंगे। हाँ ऑफकोर्स टी डैश जो होगा, अगर यहाँ पे फोर ओ क्लॉक हो रहा है, 4 PM हो रहा है, तो पीछे का टाइम अगर लेना है तो 3:40 हम ले सकते हैं, 3:30 ले सकते हैं, कुछ ऐसा टाइम होगा, है ना। सो टी डैश इज लेस देन टी, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि वो पीछे का टाइम है। तो कितना है पीछे का टाइम, टी डैश मुझे एक्चुअली पता करना है। फिर से मैं बात करूं कि इसकी पहचान क्या है, इस वेव की पहचान क्या है, अभी जो वेव बनाया यहां पे वो, तो हम बोलेंगे क्योंकि ये वही वाई है, लेकिन यहां पे जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा 0, t डैश, है ना, यहां का एक्स और यहां का टाइम। अब क्योंकि जीरो लिखना नहीं है तो हम इसे वापस फंक्शन ऑफ टी डैश लिख सकते हैं, और टी डैश को इसके फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करते हैं। तो हाउ मच इज द टाइम, तो देखो तो टी माइनस एक्स अपॉन वी होगा क्या, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स है, है ना। एक्स एक्स बराबर जीरो यहां है, यहां एक्स है, देन व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टू पल्सेस, एक्स, ठीक है। कितना स्पीड से चल रहा था, वी स्पीड से चल रहा था, तो कितना टाइम लगेगा, वन से टू पे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे एक्स अपॉन वी, ठीक है। वो टाइम को माइनस कर दो यहां के टाइम में से, तो यहां टाइम लगा है, यहां पर टाइम अभी हो रहा है टी, उसमें से अगर मैं x माइनस वी टाइम माइनस करूं तो वो टाइम कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया वन पे, है ना। एंड देयर फोर y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिराइव द फंक्शन, सभी लोग इसको फिर से देखेंगे और मैं इसे वापस रिपीट करने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा समराइज कर ले, उसके बाद मैं रिपीट करता हूं इसको। द समरी इज कि वाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये तीनों एक ही वेव था, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो मैं t इक्वल टू जीरो पे बात करके निकाला हूं इसे,
अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो एक्स इक्वल टू जीरो करके निकाला है इसे, ठीक है? सो आई रिपीट द सेम थिंग अगेन. व्हाट आई सेड इज, सी हियर इज अ पल्स. अभी मुझे एक पल्स दिख रहा है, तो अभी का टाइम हो रहा है टी और अभी पोजीशन है पल्स का एक्स. सो इस पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे एक्स कॉमा टी से. तो थोड़ा पीछे कहीं जाए तो टी जरूर कभी जीरो हुआ होगा, ठीक है? और थोड़ा पीछे मतलब कोई और एक दूसरा पोजीशन ले ले तो वहां पे एक्स भी इसका जीरो हुआ होगा, ठीक है? आप कह सकते हैं कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि टी इक्व टू जीरो पे ही एक्स इक्व टू जीरो हो? यस, बिल्कुल हो सकता है, बट दैट इज़ वन ऑफ द स्पेशल केस. तो वो हम फीड कर सकते हैं अपने इक्वेशन में, लेकिन निकालने के लिए दोनों को जीरो करने का कोई सेंस नहीं बनेगा. तो अब मुझे पूछना ये है कि वही पल्स यहाँ पे है तो इसका एक्स कुछ और है, वही पल्स यहाँ पे है तो इसका टी कुछ और है, ठीक है? तो ये एक्स कैसे लिखेंगे, इस एक्स के टर्म में एक्स डैश कितना लिखेंगे? तो दिस टाइम गैप इज टी, तो ये लेंथ गैप कितना हो गया, इसमें वी से मल्टीप्लाई करो. तो एक्स में वी माइनस करते होगे, ये वी टी माइनस करोगे तो एक्स डैश मिलेगा. उसी वेव को हम वाई से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे एक्स डैश कॉमा जीरो बनने वाला है और एक्स डैश की जगह आप रखने वाले हो एक्स माइनस वी टी, और जीरो को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट एक्स इक्व टू जीरो, तो यहां पे टाइम कितना हो रहा है, तो उस टाइम में से एक्स माइनस एक्स अपॉन वी करेंगे. एंड द सेम पल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज टी माइनस एक्स अपॉन वी. डन. नाउ ये तीनों पल्स एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे है. एक बात और समझना है आपको पीछे के डिस्टर्बेंस से, कि जो पल्स का जो वेव का पैटर्न होता है ना, जैसा शुरू में जनरेट करते हैं वैसा ही आगे भी बढ़ता जाता है. मतलब द मेथड इन विच द पैटर्न इन विच यू आर हीटिंग द यू आर जनरेटिंग द वेव इन द सेम पैटर्न दैट वेव विल कीप ऑन प्रोपोगेटिंग ऑल्सो, ठीक है? Is that clear? Any question in this? Objective ये था कि ये कॉमा हटाना था मुझे, ठीक है? अभी ये नहीं है कि ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम है या कुछ होगा, बट अभी के लिए जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है ना वो इसी फॉर्मेट में होगा. सो आवर फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम दिस इज एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मेट. कंक्लूजन इस डिस्कशन से ये निकल रहा है, इफ इक्वेशन हैज टी माइनस एक्स अपॉन वी और एक्स माइनस वी टी, इट कैन बी अ वेव इक्वेशन. इट कैन बी अ वेव इक्वेशन. तो एक वेव इक्वेशन को कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है? तो इसे देख करके हम पहचान सकते हैं. जैसे y इक्वल्स टू एग्जाम्पल ऑफ वेव एग्जाम्पल्स वेव इक्वेशंस a साइन ओमेगा ब्रैकेट, जो पढ़ना है उसे ही मैंने सबसे पहले लिख दिया है. क्वेश्चन आएगा कि क्या ये वेव इक्वेशन है, तो आपका आंसर होगा यस, दिस इज अ वेव इक्वेशन. Why it is a wave equation? Because it contains the format x minus v upon t minus x upon v, and therefore this is a wave equation. Then a sine omega t square minus x square upon v square. क्या ये wave equation है? Answer is no. This is not a wave equation. Why? क्योंकि मुझे x माइनस टी माइनस एक्स अपॉन वी चाहिए था, और यहाँ क्या है, वही फॉर्मेट है क्या ऊपर वाला? नो, इट इज नॉट. सो इट इज नॉट अ वेव इक्वेशन.
ये एक वेव इक्वेशन नहीं है, ये है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी होल स्क्वायर. सो इज इट अ वेव इक्वेशन? सो आंसर इज यस, दिस इज अ वेव इक्वेशन. ए ई टू द पावर माइनस ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी होल स्क्वायर, इज इट अ वेव इक्वेशन? आंसर इज यस, दिस इज अ वेव इक्वेशन. वाई ए ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इज इट अ वेव इक्वेशन? आंसर इज नो. आपको ये वाला टर्म को पूरा देखना है. आप कह सकते हो कि सर इसे तो टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू टी प्लस एक्स अपॉन वी ऐसे लिख सकते हैं. सो मेरा आंसर होगा कि ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला फैक्टर भी आ रहा है, ठीक है, इसके वजह से ये ओवरऑल एक्स टी माइनस एक्स अपॉन वी का फॉर्मेट नहीं ट्रीट किया जा सकता है. और क्योंकि फंक्शन वगैरह सर ने सिखाया है तुम लोगों को, तो आपको पता है कि जो एफ एक्स इक्वल टू कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, तो इसमें एक्स के जगह जो आप वैल्यूज पुट करते चले जाते हो, तो आपको अकॉर्डिंगली फंक्शन का वैल्यू भी मिलता है ना? तो आपको यही समझना है यहाँ पे कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है? y इक्वल्स टू a अपॉन ए स्क्वायर एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर, इज इट अ वेव इक्वेशन? y इक्वल्स टू a ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वी टी होल स्क्वायर, इज इट अ वेव इक्वेशन? तो हमें x माइनस वी टी के भी फॉर्मेट में अगर दिख जाए तो हम कहेंगे कि वो वेव इक्वेशन है, ठीक है? And therefore, this is the wave equation, but this is not a wave equation. Okay? So far we understood how to catch up, which one is wave equation and which one is not a wave equation. Okay? ये पूरा चैप्टर जो चलेगा ना, वो आपको सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसी से चलेगा, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है? ये जेई में आ चुका है. सो द क्वेश्चन इज वाई इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री टी होल स्क्वायर यहां पे, ठीक है? फाइंड वेव वेलोसिटी दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन मतलब ये वेव किधर चल रहा है थर्ड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन एंड फोर्थ शेप ऑफ वेव एट t equals to 0 and then shape of wave at t equals to 1 second. So purely mathematical equation है जिसपे हमें deal करना है. तो सबसे पहले कैन यू फाइंड द वेव वेलोसिटी वी? सर थ्री. सो जो कोफिशियंट ऑफ टी होता है वही वेव वेलोसिटी होता है. एंड यस यू आर राइट, है ना? कंपेयर करोगे एक्स माइनस वी टी के साथ इसे, द
आपको दिखेगा कि थ्री कहाँ पे है, वी के जगह पे है। सो वेव वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने यूनिट नहीं लिखा है, तो आप ऐसा यूनिट में लेके चलो इसे, 3 मीटर पर सेकेंड। किधर चल रहा है ये? तो ये चलेगा इन, देखो किसके साथ, ये एक्स माइनस लिख रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है इसका मतलब, ठीक है, तो इन पॉजिटिव और ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग लिखेंगे। हाँ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किधर चल रहा है ये वेव, तो एक्स एक्सिस के तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। नाउ हाउ टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, थर्ड पॉइंट। सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वाई को मैक्सिमाइज करना है, वाई मैक्सिमम तुम्हें निकालना है। मैथमेटिकली सोच करके देखो क्या होगा, एक्स माइनस थ्री टी का होल स्क्वायर है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? आई एम टेलिंग यू सिंपली व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि जीरो होता है, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो नॉन निगेटिव नंबर अगर जो भी आएगा वो एक नॉन निगेटिव नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू इसका जीरो होगा, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो। अब डिनोमिनेटर मिनिमम होता है तभी तो न्यूमरेटर मैक्सिमम होता है, मतलब वाई मैक्सिमम होगा, तो वाई विल बी मैक्सिमम ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर व्हेन एक्स माइनस थ्री टी होल स्क्वायर बिकम जीरो। सो व्हाट इज दिस कमिंग ए, एंड दिस इज द आंसर। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज ए ट्रेवलिंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ ड्रॉइंग द शेप, तो शेप बनाने के लिए आप हमेशा करेंगे क्या कि टी जीरो रख देंगे। अब समझो बात को, ये जो वेव है वो तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो चल रहा है, जैसे एक रनर जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो उसके हाथ का पोजीशन, हेड का पोजीशन, ये सब हमको हमें समझ में नहीं आता है जब मोशन में रहता है, तो क्योंकि हर मोमेंट पे वो अपने पिछले पोजीशन को छोड़ करके नए पोजीशन में आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक फ़ोटो किसी इंस्टेंट पे क्लिक कर लो उस रनर का, तो क्या आपको सारा कुछ उसका पोस्चर समझ में आ जाएगा उस फोटो को देख करके, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जिस समय पिक्चर लिया था उस समय उसका कौन सा हाथ आगे था, कौन सा हाथ पीछे था, पैर आगे था, पैर पीछे था, सब कुछ डिटेल में पता लगेगा या नहीं लगेगा? मिस बॉडी अरेंजमेंट, एम आई राइट और नॉट? नेक्स्ट मोमेंट पे लगातार आप 4 पिक्चर क्लिक करो, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पिक्चर क्लिक हुआ है वो हर पॉइंट पे जो बॉडी पोस्चर है उसे एक्सप्लेन कर देगा। सेम इज हियर ऑल्सो, तो जब भी आपको वेव का शेप चाहिए तो आप एक टाइम फिक्स करो, उस टाइम पे उसका फोटो खींचना है हमें, ठीक है, एंड दैट फोटोग्राफ विल गिव यू द पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। अब जैसा मैंने बोला है कि क्या वेव चलते चलते बदल जाएगा, जो वेव आपने ऐसे जनरेट किया था वो आगे जाकर के क्या ऐसा बन जाएगा थोड़ी देर बाद बिना कुछ हुए? ऐसा नहीं हो सकता है। Wave will retain its shape because the pattern in which the disturbance is given, the same pattern is propagating further. तो हर वो particle जो सो रहा था उसे जब भी disturbance मिलेगा तो उसी pattern पे मिलेगा जैसा पहला particle को मिला था, ठीक है, एक के बाद एक effect आना शुरू होता है, ठीक है। So shape does not change. So t equals to zero पे जो shape रहेगा यही हर time पे shape रहेगा, टी के टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और टी इक्वल्स टू 0 के पहले का जो टाइम है उस पे भी। अभी किसी को डाउट तो नहीं आ गया कि सर ने ये टी इक्वल्स टू 0 के पहले का टाइम बोल रहे हैं, टी तो निगेटिव होता नहीं है, किसी को डाउट है यहाँ पे? तो देखो टी इक्वल्स टू 0 तो वो टाइम है जब तुमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। सपोज करो 4 PM पे आपने किसी वेव को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो क्या वो 3
350 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्या वेव? कर रहा था, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट यू आर नॉट ऑब्जर्विंग इट। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने इसे रेफरेंस टाइम लिया हुआ है, तो उसके पहले भी जो वेव, वही वेव था, उसका शेप भी वही रहेगा जो अभी दिख रहा है, और बाद में भी वही शेप दिखेगा। सो इन दिस रिगार्ड आई एम टेलिंग फॉर टाइम लेस देन जीरो। नाउ कमिंग टू दिस, तो ऊपर के इक्वेशन में टी बराबर जीरो पुट कर देना, तो ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा क्या? देखो टी को जीरो पुट कर दिया मेन इक्वेशन में। अब ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ बन गया, एक्स और वाई यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है। सो मुझे बताओ वाई इक्वल्स टू 1/x हाइपरबोला होता है ना, स्क्वायर करोगे 1/x, ये भी हाइपरबोला, पॉजिटिव हाइपरबोला केवल बनेगा, ठीक है। और अगर 1/a² + x² हो जाए तो फिर ये भी हाइपरबोलिक नेचर ही होता है, बट इसका मिनिमम वैल्यू 1/a² करके हो जाएगा, इसका सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/a² करके हो जाएगा, जबकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। एम आई राइट गाइस? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ 1/x² तो ये ऐसा होता है, इवन फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन तो ये कुछ ऐसा होगा, जहां पे ये होगा 1/a², एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है चेक कर लो, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस पैटर्न, टेंट लाइक स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है। अभी टेंट लाइक स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना सकता हूं, इट गोज लाइक दिस, सिमेट्रिक तो होना ही है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और मैं ऐसे भी बना सकता हूं, तो अब तुम्हें आंसर देना है कि विच वन सीम्स टू बी करेक्ट। वाई इक्वल्स टू इसका ग्राफ ये मैंने बनाया है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां पे ये एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए हो जाएगा, है ना, एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करने थे। व्हेन एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वाई टेंड्स टू जीरो, सो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, एंड यू सी वाई टेंड्स टू जीरो आ रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक इसलिए बनाए क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, इसके वजह से मुझे ये जानना है कि ये जो वाई, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से ये ऐसे बनाना सही होता या ऐसे बनाना सही होता। अभी आप लोग अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आसपास हैं, तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सब सीख चुके हो तुम लोग, लेट मी नो। फिगर वन फिगर टू, तो मैंने फिगर टू बनाया है, वाई फिगर टू, वाई नॉट फिगर वन? तो फिगर वन में यहां पे स्लोप डिफाइन नहीं है, एम आई राइट? इस जगह पे स्लोप डिफाइन नहीं है। स्लोप डिफाइन का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स का वैल्यू एक्स के थोड़ा पहले, एक्स के थोड़ा बाद, ये तीनों जगह पे स्लोप बराबर होना चाहिए, इज इट और नॉट? तो यहां पे क्या हो रहा है कि जहां पे कॉप्स बनता है, CAUPS, कप्स कहते हैं इसको शायद, जहां पे कप्स बनता है वहां पे स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। उसके जस्ट पहले स्लोप ऐसे आ जा रहा है, उसके जस्ट बाद स्लोप बिल्कुल ऐसा चेंज हो जा रहा है, तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड एट एनी शार्प पॉइंट, यू नो दैट, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। स्लोप नहीं डिफाइन होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तुम्हें चेक करना है कि ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है, ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इज इट डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स इक्वल टू जीरो? तो एक बार डिफरेंशिएट करना है और एक्स का वैल्यू पुट करके चेक करना है कि कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आंसर आएगा कि यस, ये डिफरेंशिएबल है और डेफिनेट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट, आई कैन ओनली राइट इट, मतलब ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, बट अपने पार्ट में है नहीं वो अभी करने के लिए आपको, लेकिन सोच लेना है एक डायरेक्शन, ठीक है। सो आपको ये कहना है कि ये इक्वेशन डिफरेंशिएबल है,
डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, और इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, फर्दर किस डायरेक्शन में ये वेव चल रहा है? तो ये वेव चल रहा है एक्स एक्सिस पे वी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड से। तो जो हाइट तुम्हें एक्स इक्वल्स टू जीरो पे अभी दिख रहा है, वो 1 सेकेंड बाद कहां रहेगा ये डिस्टर्बेंस? वेयर विल दिस डिस्टर्बेंस बी आफ्टर 1 सेकेंड? सो एट एक्स इक्वल्स टू 3, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 3। तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा ग्राफ को शिफ्ट कर देना है। सो यू लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द पोजिशन ऑफ द वेव एट एक्स इक्वल्स टू एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, नॉट 3, 1 सेकेंड। क्योंकि 1 सेकेंड में 3 मीटर वो डिस्टर्बेंस चलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये पार्टिकल जो ए पे है वो चल करके बी पे आया है? यस नो, बी इज द पीक ऑफ सेकेंड ग्राफ एंड ए इज द पीक ऑफ फर्स्ट ग्राफ। तो 1 सेकेंड में मैंने बोला कि ये डिस्टर्बेंस यहां से चल के यहां आया है 3 मीटर। ठीक है, तो जो पीक था वो यहां पे पीक मिल रहा है। माय पॉइंट इज कि पार्टिकल ए चल के बी पे आया है क्या? यस नो में आंसर। तो पार्टिकल ए कहां दिख रहा है अभी टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो येलो लाइन देख रहे हो आप वाई एक्सिस पे, वो है पार्टिकल का पोजिशन एक्स इक्वल्स टू जीरो वाले का। आर यू गेटिंग दिस? ओके। और जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहता है वो इंस्टेंटेनियसली जीरो पे आता है, मोशन उसका जीरो होता है, और उसके आजू बाजू वाला जो पार्टिकल्स है वो मोशन में है। तो सेकेंड फिगर को देखो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो बी के राइट साइड का सारा पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पार्टिकल्स, ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। तो अब ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें अभी कि कैसे हम जज करेंगे कि ये ऊपर जा रहा है और पीछे वाला पार्टिकल्स नीचे आ रहा है। वो एक्चुअली इसको देख करके हम बात करते हैं, अभी मैं बात करता हूँ उस पर। ठीक है, फिलहाल और कोई क्वेश्चन है इसमें? जो मैंने डिस्कशन किया, जो मेरा क्वेश्चन था वो यही सब था। एक इक्वेशन दे दिया, पहला क्वेश्चन एक्चुअली बुक में यही है कि इज इट अ वेव इक्वेशन और नॉट। सो आंसर आएगा कि यस इट इज अ वेव इक्वेशन। सेकेंड इज व्हाट इज द वेव वेलोसिटी देन? तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे ये चल रहा है। ठीक है, देन क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। अब वो मैथमेटिकल फंक्शन से हम चेक करके निकालते हैं। देन व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो? ये क्रूशियल है, हमेशा ध्यान रखना। शेप आप टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर निकालते हो, क्यों कर रहे हैं टी इक्वल्स टू जीरो पे? क्योंकि t इक्वल्स टू जीरो करने से एक वेरिएबल सीधा सीधा हट जाएगा। आप बोलोगे सर t इक्वल्स टू 1 पे नहीं कर सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हो। जरा t इक्वल्स टू 1 का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो क्या आप जानते हो कि अगर x रिप्लेस हो जाए x माइनस 3 से, तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट ऑफ ग्राफ कंसेप्ट पता है ना, ग्राफ का शिफ्ट करना। और एक्स प्लस 3 होता तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होगा 3 यूनिट से। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है 3 यूनिट से, उससे तुम्हें एक और चीज निकल करके आ गया कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तो बीच में प्लस होगा। उस पे भी मैं बात करता हूं। तो यहां तक में शेप ऑफ द ग्राफ फिर हम लोगों ने बनाया। फिर 1 सेकेंड पे भी सेम ही ग्राफ बनाया। ठीक है, बस पीक को हमने चेंज कर दिया। तो ऐसे ये डिस्कशन, ये चीज को हम देखेंगे। ठीक है, यस। वेव
ट्रैवलिंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी था. तो वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स अपॉन वी होगा. सिंपल, इफ वी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वी तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ मुझे, क्या बीच में प्लस आ जाएगा? Yes. तो अगर दोनों फैक्टर इन दोनों के बीच में प्लस दिखता है इसका मतलब कि वो वेव किधर ट्रैवल कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये वेव ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, वाई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू वी टी होल स्क्वायर. तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा ये तुम्हें बताना है, बोलिए. ट्रैवलिंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस देन एक्स प्लस वी टी होल स्क्वायर. ठीक है ना, वी शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, माइनस वी. ठीक है, सो व्हेन इट इज ट्रैवलिंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस वेव विल बी ट्रैवलिंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो केवल साइन से आप पकड़ लेंगे कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस वी टी का होल स्क्वायर. आई वॉन्ट टू नो बाई डायग्राम कि ये वेव किधर चल रहा है ये बताना है तुम्हें. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है, चलो एक्सिस में बना देता हूं. यहां पे ये रहा है एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. किधर ट्रैवल कर रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस पे. वेरी गुड, सो इट्स ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. क्या एक्स कभी नेगेटिव होगा? तो एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, चेक करो बताओ मुझे. ये तो स्क्वायर है ना, और वेरिएबल वाई और टी ही हो सकता है. टी तो चलो जीरो से आगे ही लेना होता है, वाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कभी भी ये टर्म नेगेटिव नहीं आएगा. तो ओवरऑल ये टर्म नेगेटिव नहीं आएगा, एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस वेव, सो इज इट द शेप, क्या ये ऐसा है वो शेप और ये नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल एक्सप्लेन इट. और पार्टिकल किधर चल रहा है, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है. तो ये इधर मूव कर रहा है अभी और ये वाला नीचे मूव कर रहा है. ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला अभी भी नहीं पकड़ में आ रहा है कि वो पार्टिकल का आपने डायरेक्शन कैसे लिया. एम आई राइट गाइस? चलो देखो, ये एक वेव लिया और ये बोल दिया मैंने कि देखो ये एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बोल दिया. ठीक है, नाउ आई वांट टू नो कि ये पार्टिकल ए किधर जा रहा है, पार्टिकल बी किधर जा रहा है, पार्टिकल सी किधर जा रहा है. तो आप क्या करोगे कि इसके थोड़े देर बाद के मोमेंट को विजुअलाइज करने का कोशिश करोगे और शुरू में आप ड्रॉ करके सोचोगे. तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, सो डू यू थिंक दैट आफ्टर सम टाइम द वेव विल बी लुकिंग लाइक दिस? बताइए मुझे. शिफ्ट किया तुमने, तो अब मुझे बताओ कि ए पार्टिकल जो यहां पे था वो क्या यहां ऊपर दिख रहा है तुम्हें? इसका मतलब ए ऊपर जा रहा है तभी ऊपर आएगा ना, यहां पे दिखेगा थोड़ी देर बाद. ठीक है, तो एक पार्टिकल को अगर तुमने पकड़ लिया ना कि वो किधर जा रहा है, इसका मतलब पूरे वेव में अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा. करना ये है कि जो क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट वेव का, इसके बीच का सारा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा.
अगर एक को बोला ऊपर तो बाकी सब भी ऊपर ही जा रहा है, तो ये सब अब ऊपर जा रहा है ऐसे। उसके बाद वाला सब नीचे ही जाएगा, मतलब बी नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला ऊपर जा रहा है, एंड दिस इज हाउ यू विल कैच अप द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन व्हेन वेव मोशन इज गिवन, ठीक है। एक और कर लेते हैं, इस बार ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे ये वेव चल रहा है, ठीक है। आप मेरे वेव डायग्राम पे नहीं जाएंगे, कैसा भी वेव हो सकता है, मैंने साइनोसाइडल बनाया है और उल्टा बनाया है, तो इसमें मेरा कोई हिडन कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। चलो ये यहां पे ऐसे बना देते हैं, सेम हो गया ऊपर और नीचे वाला। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ये मैंने बोल करके रखा है तुम्हें। तुम्हें बताना है कि ये ए किधर जा रहा है, बी किधर जा रहा है, सी किधर जा रहा है, डी किधर जा रहा है। चलो अब जरा खुद से सोच करके बताओ ए के बारे में। नीचे वेरी गुड, सो नाउ यू आर एबल टू कैच इट अप नाउ, ठीक है। हम क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम ड्रॉ करेंगे ये डायग्राम, तो देखो तो क्या ऐसा दिखेगा। बहुत लंबे टाइम में नहीं बनाना, ये बात ध्यान रखोगे, थोड़ा सा खिसकाना है, थोड़ा सा शिफ्ट करना है, क्योंकि हम इमीडिएट टाइम पे बात कर रहे होंगे, तो यही शेप आएगा ना, डॉटेड लाइन आफ्टर सम टाइम, वेरी स्मार्ट। यस और इसे अगर देखा तो मैंने देखा कि ए नीचे गया है, बी ऊपर गया है, सी नीचे और डी ऊपर, सर। ठीक है। हम ए और सी को कहते हैं कि सेम फेज में है, बी एंड डी आर ऑल्सो इन द सेम फेज। बताओ मुझे मतलब समझ में आता है सेम फेज का, एक साथ चलना, एक ही डायरेक्शन में चलना, एक ही पोजीशन पे रहना, यही होता है ना सेम फेज। तो ए और सी को देखो, आर दे बोथ गोइंग डाउनवर्ड, ए एंड सी, यस एंड आर दे एट द सेम पोजिशन राइट नाउ, तो यस दे आर एट द सेम पोजिशन। तो पोजिशन सेम हो और सेम डायरेक्शन में जाए तो हम कहेंगे कि दे आर इन सेम फेज। तो ए एंड सी इन सेम फेज, बी एंड डी इन सेम फेज। सो आज के लिए इतना ही डिस्कशन रहेगा। सो टाइप ऑफ वेव्स और मेनली वेव का इक्वेशन जो डिराइव किया है उस पर जरा फोकस करना, ठीक है। वो जो एक्स माइनस वी टी एंड टी माइनस एक्स अपॉन वी वाला है, वो वाले पार्ट पे जरा फोकस करना। नेक्स्ट सेशन में मैं उस पर कुछ और क्वेश्चंस भी करूंगा। आफ्टर दैट एक एनालिटिकल व्यू बताया मैंने कि प्लस एक्स एक्सिस पे चल रहा है या माइनस एक्स एक्सिस पे चल रहा है, वो इक्वेशन में प्लस माइनस से देख करके बता दोगे। और पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो आप वेव के डायरेक्शन से बता सकते हो, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो। पार्टिकल का एक डायरेक्शन तुम्हें मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि वेव बताओ वेव किधर जा रहा है क्विकली। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये एक ऐसे वेव है और ये वाला पॉइंट जो है वो ऊपर जा रहा है, बताइए वेव किधर चल रहा है, राइट को कि लेफ्ट को। लेफ्ट तो आंसर आएगा कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो इसका उल्टा भी हम ऐसा कर सकते हैं। सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ओके गाइस। सर। और एसएचएम का आप क्वेश्चंस बनाएंगे जो टेस्ट पेपर का था और उसको सबमिट करेंगे, मैं लिंक भेजता हूँ आज। कब तक सबमिट कर दोगे, आज इवनिंग तक कर दोगे क्या? अभी लेक्चर कितने बजे तक है, 1:30 तक है, 2:30 तक, ओके ठीक है, कल तक सबमिट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलो ओके ओके सर।